मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे आधुनिक भारत का पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। ये हमारा पहला चैप्टर है आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि 6th-7th की किताबें, चाहे NCERT की हों चाहे उत्तर प्रदेश द्वारा जो निःशुल्क वितरित की गई किताबें हों, सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये है 8वीं की जो है किताब, हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन थर्ड, हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन थर्ड है, देख लो ये किताब है। इस किताब में आपका आधुनिक भारत बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पूरे फैक्ट्स तो नहीं मिलेंगे, फैक्ट्स तो हम यहाँ कराएंगे सब, लेकिन इस किताब में बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल समझाया गया है। अगर आप हमारी क्लास करने के बाद में और हमारी क्लास आने से पहले इसमें किताब को पढ़ के आते हो, पतली किताब है, मुश्किल से ये जो है 100 पेज की है, 116 पेज की है, बहुत मोटी नहीं है। 116 पेज में इसमें दोनों चीज़ है, इतिहास भी है और नागरिक जीवन भी है, क्योंकि नागरिक जीवन कंबाइंड है इसके अंदर। तो फिर इतिहास तो 60-70 पेज में ही है, तो इस किताब को अगर कोई पढ़ने के लिए बैठ जाए तो समझ समझ के पढ़ेगा तो भी जो है 4-5 दिन में ख़त्म कर देगा। तो इस किताब को आप देख लो, आपके छोटे भाई बहन पढ़ रहे हो कक्षा 8 में तो उनसे अरेंज करा लेना और इसे पढ़ना। मैंने बताया 6th क्लास में जो है प्राचीन इतिहास है, और 7th क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, और 8वीं क्लास में आधुनिक इतिहास है। तो इस तरीके से ये बढ़िया किताबें हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो इसलिए इनको पढ़ा करो। NCERT अगर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है तो ये किताब बहुत अच्छी है UP बोर्ड की। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। कल का हमारा क्लास जो था वो पाठ्यक्रम चर्चा पे था कि हम लोगों ने, मतलब हम लोगों को आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना है। तो आज हमारा पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। देखो मैंने बताया सबसे पहले यूरोपी जो आते हैं, कौन आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। देखो इनका आने का क्रम, यहाँ से प्रश्न बनता है आने का क्रम, और दूसरा जो है ये कंपनी स्थापित करते हैं, इनकी जो है कंपनी स्थापित होती है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हाँ, तो जो है पुर्तगाली कंपनी आती है सबसे पहले, उसके बाद में आते हैं हॉलैंड के निवासी डच आते हैं, और तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिटिशर्स आते हैं, अंग्रेज आते हैं। ये आने का क्रम है, मतलब अभी कंपनी स्थापित तो हो रही है, लेकिन जो है भारत में कौन पहले आया, व्यक्ति विशेष जो है कौन आया, किस जो है यूरोप के किस देश से आया, तो वो यहाँ पर। और इसके बाद में आते हैं जो है डेनिश के वासी, जो है डेनिश आते हैं, और फिर आते हैं फ्रांसीसी आते हैं, फिर कौन से आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। तो फ्रांसीसी जो है जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, ये लास्ट में आती है 1664 ईस्वी में। ठीक, अगर इनकी डेट की बात करें तो 1498 में पुर्तगाली आते हैं, डच जो है 1602 में आते हैं, हाँ वो कहीं कहीं वो स्थापित कंपनी स्थापित होती है 1605 में, लेकिन आ पहले ही जाते हैं। और ब्रिटिशर्स आते हैं 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में जो हॉकिंस आता है जहांगीर के दरबार में, हालांकि इसके पहले भी आया था, लेकिन जो राजाज्ञा लेकर जो आया था ब्रिटिशर्स, कौन आया था, हॉकिंस आया था, किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, जो कि 1608 ईस्वी में आया था। तो ये आप डेट, मतलब इसकी सन याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, प्रश्न इनके क्रम लगाने से आते हैं, प्रश्न जो है क्रम लगाने से आते हैं। उसमें भी चार महत्वपूर्ण है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ये चार सीरियल से दे देगा, कहेगा भारत में इनके आगमन की क्या जो है व्यवस्था थी, कैसे आए। और कंपनी स्थापित करने की बात अगर करें, कंपनी बनाते हैं अपने अपने देशों में, पुर्तगाल अपने देश में कंपनी बनाता है, डच अपने देश में कंपनी बनाते हैं, तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले स्थापित हुई, सबसे पहले
पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई, दूसरे नंबर पे ब्रिटिशर्स की कंपनी स्थापित होती है, यहाँ पर जो है ब्रिटिश ऊपर आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे डच की कंपनी और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी कंपनी। ठीक, तो ये कंपनी स्थापित करने का क्रम है, यहाँ से याद रखना कंपनी की स्थापना का क्रम है, ये कंपनी की स्थापना का क्रम है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है जो कंपनियाँ स्थापित हुई यूरोपीय शक्तियों में उनका क्रम क्या है, तो पुर्तगाली कंपनी पहले स्थापित होती है, दूसरे नंबर पर ब्रिटिशर्स की कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित होती है, ये इसका आपको डेट याद रखना है। इसका 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो महारानी एलिजाबेथ थी वो राजाज्ञा प्रदान करती हैं ब्रिटिशर्स कंपनी को, ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, किस नाम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, और पुर्तगाली जो कंपनी स्थापित होती है वो 1498 में ही स्थापित हो जाती है, यानी इसके लगभग 100 वर्ष बाद, पुर्तगालियों के 100 ईयर्स बाद यूरोप की अन्य शक्तियाँ भारत में आती हैं, कंपनी स्थापित करती हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित होती है, तो इस तरीके से ये कंपनियाँ जो है स्थापित होती हैं, 1664 में ये भी इस्टेब्लिश होता है। तो इनके आने का क्रम ये रहा, और यहाँ पर कंपनी स्थापित करके, कंपनी तो स्थापित उन्हीं के देश में होगी, अब कंपनी क्या है, देखो कंपनी समझ लो, कंपनी का मतलब ये होता है कि कोई भी, अब या तो जो है व्यक्ति, एक व्यक्ति स्वयं जो है किसी भी व्यापार को करे, या फिर क्या होता है कि जब पूंजी की कमी होती है तो 5-6 लोग मिल करके, जो 5-6 पूंजीपति होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो अपने शेयर निर्धारित कर देते हैं। मान लेते हैं 10 लाख का बिजनेस करना है 5 लोगों को मिल करके, तो किसी ने 2 लाख का जो है उसमें पैसा डाला, किसी ने 5 लाख का पैसा डाला, किसी ने जो है 3 लाख का पैसा डाला, इस तरीके से मिल करके जब पैसा इन्वॉल्व करते हैं किसी कम जो है एक व्यापार में, तो फिर शेयर के आधार पे उनका मुनाफा होता है, जो ज़्यादा पैसा लगाएगा उसको मुनाफे का ज़्यादा परसेंटेज का पैसा मिलेगा। तो जब इस तरीके से 5-6 लोग मिल करके जो है एक कंपनी की स्थापना करते हैं व्यापार करने के लिए, तो वही चीज़ है यहाँ पर कंपनी स्थापित की गई, यानी 5-6 लोग मिलकर के शेयर होल्डर्स जो है व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाते हैं। अब इस कंपनी को जो है, जैसे ब्रिटिश में महारानी ने इस कंपनी को अप्रूव किया प्राइवेट कंपनी को, हालांकि महारानी ने शुरू में कहा था 15 साल के लिए भारत से आपको व्यापार करना है, महारानी ने शुरुआत में, तो यहाँ से प्रश्न आता है, महारानी ने जो आज्ञा प्रदान की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए, कितने वर्ष के लिए प्रदान किया था, 15 वर्ष के लिए, शुरुआत में 15 वर्ष के लिए। लेकिन महारानी के मरने के बाद में जो वहाँ का राजकुमार प्रिंस राजा बना, तो वो उसने जो है इसको, इसकी वैधता को आजीवन कर दिया कि जब तक तुम चाहो भारत में व्यापार कर सकते हो। ठीक, इसके बाद में भारत में 1857 का रिवोल्ट हो जाता है, उसके बाद कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है, एक नया एक्ट लागू करके तब महारानी का शासन चालू होता है। ये सब हम लोग आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। तो कंपनी समझ गए, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब यही होता है कि 5-6 लोग मिल करके व्यापार करने के लिए एक समझौता, एक साझा जो है समझौता करते हैं, व्यापार साझेदारी, व्यापार की साझेदारी के लिए एक समझौता करते हैं, वही क्या होती है, कंपनी होती है। वही कंपनी आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, अर्थशास्त्र में पढ़ते हो, तो ये कंपनियाँ जो है स्थापित होती हैं इस क्रम में और भारत में व्यापार करने के लिए आती हैं। अब देखो यूरोपीय भारत में व्यापार करने क्यों आई, इसके पीछे कारण जानना जरूरी है, कारण क्या है कि यूरोप की कंपनियां और यूरोप के लोग भारत आते हैं, तो क्यों आते हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि मैंने बताया कि उस समय जो है अरब देश में, अरब प्रायद्वीप में एक नया धर्म उदित हो चुका था, कौन सा धर्म, मुस्लिम धर्म, मोहम्मद साहब पैगंबर का जन्म हो चुका था, और उन्होंने जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी में एक नए धर्म की स्थापना की थी, और वो धर्म जो है अभी अपने जो है इमैच्योर अवस्था में था, तो उस धर्म का प्रसार होना था पूरी दुनिया में, तो यहाँ पर हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, ये है हमारा अरब प्रायद्वीप, ठीक है, और ये हमारा हिंदुस्तान है, और ये है हमारा जो है अफ्रीका, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो है अरब प्रायद्वीप, यहाँ पर मुस्लिम धर्म, जो अरब लोग थे, तुर्क लोग थे, इन लोगों ने मध्यकालीन क्षेत्र में, मध्यकालीन भारतीय भारत में जो है आक्रमण किए, मध्यकाल में मुसलमानों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का आक्रमण हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ था भारत में, और ये आकर के यहाँ पर जो है लूट लाट करके गए,
लेकिन इस दौरान क्या हुआ, अभी हमारा प्राचीन समय से व्यापार होता था भारत से, जो है स्थल मार्ग से होता था और जो है जल मार्ग से होता था। जल मार्ग के दो रास्ते थे, एक तो फारस की खाड़ी से होकर के, कौन सी खाड़ी से, फारस की खाड़ी से, ये अरब प्रायद्वीप है और ये ईरान वाला हिस्सा है, ये क्या है, ईरान वाला, तो इसके बीच में एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ, एटलस उठा कर देखना। और दूसरा जो है जो अरब प्रायद्वीप का जो इधर पश्चिम वाला हिस्सा है, इस पश्चिम वाले हिस्से और जो अफ्रीका महाद्वीप का पूर्व वाला हिस्सा, इसके बीच में लाल सागर है, कौन सा सागर है, रेड सी है। तो लाल सागर और फारस की खाड़ी, इन दोनों के रास्ते से क्या होता था, जल मार्ग से व्यापार होता था। ये हमारा क्या है, अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर के रास्ते जो है जल मार्ग से व्यापार होता था, जिसके दो रास्ते थे, फारस की खाड़ी और जो है लाल सागर से। और दूसरा मध्य एशिया होते हुए, ये सब क्या था, अफगानिस्तान और ये सब सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा था। तो मध्य एशिया से होकर के व्यापार होता था स्थल मार्ग से, घोड़े और पैदल से यहाँ पर व्यापार होता था। तो इस समय हुआ क्या, 1453 ईस्वी में जो है, जो ये तुर्क थे, तुर्क पूरा यहाँ छाए हुए थे, तुर्की साम्राज्य थी पूरी, ये तुर्की साम्राज्य का था। तो यहाँ पर जो है तुर्क का ही पश्चिमी हिस्सा कहलाता था कुस्तुनतुनिया, क्या कहलाता था, कुस्तुनतुनिया, जिसको एशिया माइनर, तुर्की वाले भाग को एशिया माइनर, एशिया का माइनर मतलब छोटा, एशिया, तुर्की जो है यूरोप में भी है उसका थोड़ा हिस्सा और एशिया में भी है, ठीक, तुर्की का जो आज का तुर्की है उसका उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक नगर था जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, और ये प्रवेश द्वार था, कुस्तुनतुनिया से ही होकर के प्रवेश होते थे यूरोप के लोग एशिया में, कहाँ से प्रवेश करते थे, कुस्तुनतुनिया से। तो तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर भी क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, कब, 1453 में, ये डेट याद रखना है। इतिहास में सारे डेट याद नहीं रखने हैं, महत्वपूर्ण डेट है उसको हम याद कराते चलेंगे। तो 1453 ईस्वी में, एडी में किसका अधिकार हो जाता है, तुर्कों का, अरब मुसलमानों का अधिकार हो जाता है, किस पर, कुस्तुनतुनिया पर, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लेते हैं, या एशिया माइनर भी कह सकते हो, एशिया माइनर और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो जाता है किसका, मुसलमानों का। तो जब ये अधिकार हो जाता है, जो व्यापार होता था भारत से, भाई यहाँ के व्यापारी क्या करते थे, अरब, क्योंकि अरब और तुर्क अभी भारत में जो व्यापार करते थे, तो ये लोग यहाँ से सामान ले गए और अरब कंट्रीज से सीधे यहाँ से फिर ये वेनिस और जिनेवा के लिए सामान भेज देते थे। जिनेवा और वेनिस यहीं पर है, इटली, जिनेवा, वेनिस, इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र है यूरोप का। तो ये लोग वेनिस और जिनेवा, इटली के लोग जो है तुर्कों से, अरबों से सामान खरीदते थे और यूरोप में खपाते थे, ये था मसला कुल मिलाकर के। अब ये मसला बंद कर दिया किसने, तुर्कों ने, कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण करके। उन्होंने कहा कि यूरोप का व्यापार हम बाधित करते हैं, तुमको अब इधर आने नहीं देंगे व्यापार करने के लिए। तो ये रास्ता हो गया बंद, सबसे पहले चीज़ क्या हुआ, ये रास्ता हो गया बंद। तो अब इनको रास्ता नया खोजना था, किसको, यूरोप वालों को। तो जो समुद्र के किनारे वाले देश थे, इधर है आपका अटलांटिक महासागर, ये पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में यहाँ पर एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है ब्रिटेन, जिसका नाम है ब्रिटेन। तो अब जिनको समुद्र के तट के सहारे जो देश हैं, उन्हें ही तो मौका मिलेगा समुद्र के रास्ते मार्ग खोजने का। तो यहाँ पर पुर्तगाल है, ठीक है, फ्रांस है, यहीं पर नीदरलैंड है, ये सब क्या है, तट के सहारे स्थित हैं। नीदरलैंड या डच जो थे वो किस, कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड, इसका पुराना नाम हॉलैंड था, बाद में इसका नाम नीदरलैंड पड़ा। नीदरलैंड का मतलब होता है गड्ढे में बसा हुआ देश, समुद्र के पानी, यहाँ से जो है समुद्र है इस क्षेत्र में, तो समुद्र के पानी को निकाल करके गड्ढे में बसाया गया है इस पूरे देश को ही, इसीलिए इसको नीदरलैंड कहते हैं, निम्न भूमि वाला देश। नीदर मतलब होता है निम्न भूमि वाला क्षेत्र, तो लैंड मतलब भूमि, तो निम्न भूमि वाला देश नीदरलैंड कहलाता है। तो यहाँ के निवासी जो थे डच, वो भी आए भारत में। तो इस तरीके से जो है, और स्पेन भी यहीं पर है, तो पुर्तगाल, स्पेन, डच, ये सब जो है, फ्रांस, यही सब कंपनियां तो भारत में आई। तो अब इनको मौका मिला, यहाँ की उस समय एक राजकुमार हुआ करते थे पुर्तगाल के, जिनका मैंने नाम बताया था हेनरी, हेनरी यहाँ के राजकुमार थे। तो हेनरी को भी बहुत शौक था नेविगेशन का, नाविकों को बढ़ावा देने का। और इस समय मैंने बताया दूसरा एक था, इस समय यूरोप में जो है पुनर्जागरण का समय चल रहा था, यूरोप में मध्यकाल का अंत हो रहा था और आधुनिक काल वहाँ पर प्रारंभ होने हो रहा था। मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारंभ पुनर्जागरण कहलाता है, यानी अब जागने की अवस्था आ गई थी यूरोप में जो है, जो धर्म था, धर्म जो धार्मिक बातें थी, धर्म का वर्चस्व था, धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए विज्ञान में निरंतर खोजें हो रही थी। तो इसलिए पहले चर्च का बोलबाला था,
चर्च के पादरी जो कह देते थे वही अटूट बात होती थी, वही सर जो है यूनिवर्सल बात होती थी। अगर चर्च के पादरियों ने कह दिया कि जो है आज पृथ्वी का आज के दिन जन्म हुआ है तो सबको उसी को मानना है। इसलिए ईसाइयों की जो धर्म ग्रंथ है उसमें बिल्कुल बाकायदा तारीख लिख दी गई है कि इस तारीख को हमारी पृथ्वी का इस सन इस तारीख को हमारी पृथ्वी पैदा हुई है, जो कि एकदम कोरी कल्पना है, गलत है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से जो है इसको इसके कैलकुलेशन किया गया है और जो गणना आई है उस वो बहुत सटीक गणना है। हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति की गणना जो की गई है बहुत सटीक की गई है धर्म हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। और सूर्य की दूरी भी बहुत अच्छी तरीके से हनुमान चालीसा में बता दिया गया है। हनुमान चालीसा पूरा जो है देखना तो उसमें जो है उस चौपाई के माध्यम से हनुमान चालीसा में भी सूर्य की दूरी को भारत पृथ्वी से बहुत सही गणना की गई है। तो हमारे देश के विद्वान पहले प्राचीन समय में इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अभी बताएंगे क्यों सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है फिर इनको जब यहाँ रास्ता बंद हो गया, दूसरा पुनर्जागरण चल रहा था यहाँ पर यूरोप में, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में खोजें हो रही थी निरंतर, तो इसके कारण जब ये रास्ता अवरुद्ध हो गया तो उसी पुनर्जागरण में भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? भौगोलिक खोजों का दौर। अब यहाँ के राजा, यहाँ के राजकुमार, ये सब जो है जो साहसी नाविक थे, जो समुद्र में जलयान से यात्रा करने वाले लोग थे, उनको जो है मानसिक आर्थिक सब तरीके से क्या करने लगते हैं? सहयोग करने लगते हैं। तो यहीं पर जो है पुर्तगाल के राजकुमार ने सबसे पहले, जो पुर्तगाली राजकुमार द हेनरी था, हेनरी द नेविगेटर था, उसने जो है एक अभियान भेजा और अभियान जो है 1498 में भारत में ये पूरा होता है। किसके नेतृत्व में? वास्को डिगामा के नेतृत्व में, वास्को डिगामा। हालांकि इसके पहले बार्थोलोमियो डियाज, क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज के नेतृत्व में पहला अभियान भेजता है। तो बार्थोलोमियो डियाज जब पुर्तगाल से चलता है, पुर्तगाली नाविक था ये भी बार्थोलोमियो डियाज, और प्रिंस भेजता है, तो ये अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए यहाँ तक पहुँचता है जो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु जिसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, क्या कहा गया? केप ऑफ गुड होप। गुड होप, होप मतलब आशा, गुड मतलब अच्छा, तो अच्छा को उत्तम भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? उत्तम, और आशा ही है उत्तम आशा, उत्तम आशा। तो इस यहाँ पर चूंकि अंतरीप है, ये क्या है? अंतरीप। अंतरीप का मतलब होता है जो मतलब छोटा सा प्रायद्वीप जो समुद्र से तीन तरफ से घिरा हो, पतला हो, समुद्र से तीन तरफ से घिरा हो, इस तरीके से निकला हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरीप। तो इसको क्या कहा गया? उत्तम आशा अंतरीप। क्या कहा गया? उत्तम आशा अंतरीप, या गुड केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब ही होता है जो है प्रायद्वीप का बच्चा, अंतरीप। तो केप ऑफ गुड होप, तो केप ऑफ गुड होप तक कौन पहुंचता है सबसे पहले? बार्थोलोमियो डियाज पहुंचता है 1487 ईस्वी में। लेकिन ये भारत तक नहीं पहुंच पाता, यहीं तक आकर के इसका दम फूल जाता है, फिर ये लौट जाता है यहीं से। तो दोबारा, हालांकि इसके पहले ही जो है इस बीच जो है एक स्पेन का नाविक जिसका क्या नाम था, जो अमेरिका की खोज करता है? कोलंबस। 1492 ईस्वी में जो स्पेन का नाविक था, स्पेन भी यहीं पुर्तगाल के ऊपर देश है, तो ये जो है भारत की खोज करने निकलता है, लेकिन ये चला जाता है, ज़्यादा आगे बढ़ जाता है पश्चिम की तरफ, ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तो इसे जो है कुछ द्वीप दिखाई देते हैं जो कि जहाँ चलता है वहाँ से किधर रहते हैं? वेस्ट में रहते हैं। किधर रहते हैं? वेस्ट में। और चूंकि इंडिया को खोजने निकला था तो अब उस द्वीप को रख देता है नाम वेस्ट इंडीज। क्या नाम रख देता है? वेस्ट इंडीज। तो वो कई द्वीप जिसमें क्यूबा है, हैती है, हवाना जो है, इस तरीके से कई द्वीप मिलकर के क्या बनाते हैं? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम आती है खेलने, देखा तुमने। तो अब वेस्ट इंडीज की ओर आगे बढ़ता है तो उसको एक बड़ा सा महादेश मिलता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इसलिए वो अमेरिका महाद्वीप पर पहुंच जाता है 1492 ईस्वी में। भारत ना आकर के कोलंबस कहाँ पहुंच जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक। तो इस तरीके से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप खोज लिया जाता है किसके द्वारा? कोलंबस के द्वारा। इसी के बाद से अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अभी तक जो है जनजातियाँ रहती थी, रेड इंडियंस, वहाँ की जो ओरिजिनल जातियाँ थी उनको क्या कहा जाता था? रेड इंडियंस। जैसे भारत में हम लोग थे, हम लोग तो बहुत शिक्षित थे,
भारतीय लोग तो पहले से ही आर्यन से बहुत अच्छी सभ्यता थी, लेकिन अमेरिका वगैरह पहले कुछ नहीं था, वहाँ पर रेडिनियंस रहते थे, ऐसे आदिमानव की तरीके से रहा करते थे, जो है जंगलों में आदिवासियों की भांति जो है रहते थे। लेकिन जब ये अंग्रेज पहुँच गए तो इन्होंने बताया कि वहाँ सोना बहुत है, तो यहाँ से फिर गोल्ड रश शुरू हुआ, यूरोप से इंग्लैंड पहुँचा, सारे देश इधर के जितने भी तट वाले से सब जा करके अमेरिका में बसना शुरू कर दिए, अपनी कॉलोनी बसाना शुरू कर दिए, और आज जो अमेरिका बसा हुआ है वो सब यूरोपियंस की देन है, और अमेरिका आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। 1492 में ये अस्तित्व में आया था, इसके पहले इसका अस्तित्व ही नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई है। और भारत सनातन समय से आज से 5000 वर्ष पहले से है, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है डामाडोल है, तो उसके पीछे क्या कारण है इस पर आप लोग गहन विचार करना। तो इस तरीके से यहाँ से जो है उत्तमासा अंतरिप बार्थोलोमियो डिया जाया था। इसके बाद में जो है जब दूसरा अभियान होता है किसके नेतृत्व में, वास्को डिगामा के नेतृत्व में, तो वास्को डिगामा उत्तमासा अंतरिप तक तो पहुँचता है, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचता है, और यहीं पर जो है एक जो गुजरात का व्यापारी था मजीद, अब्दुल मजीद यहीं पर इसको मिल जाता है, किसको, वास्को डिगामा को, उससे वार्तालाप होती है, बात होती है, दोनों व्यापारी भाई भाई, कहता चलो हिंदुस्तान का रास्ता हम दिखाते हैं तुमको, मिल गया मौका को हिंदुस्तान आने को। तो यहीं से उत्तमासा अंतरिप से फिर आगे बढ़ता है और ये भारत के केरल में एक स्थान है कालीकट, वहाँ पर पहुँच जाता है साओ गैब्रियल नामक जहाज पर बैठ करके। प्रश्न भी आता है कि वास्को डिगामा किस जहाज से बैठ करके भारत आता है, तो साओ गैब्रियल, कौन से जहाज से, साओ गैब्रियल, जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल नामक जहाज से यात्रा करता है, लंबी यात्रा करके भारत में केरल के जो पश्चिमी तट है या इसके कालीकट नामक स्थान पर अब्दुल मजीद की सहायता से, अब्दुल मजीद के मार्गदर्शन से भारत में प्रवेश करता है, कालीकट में पहुंचता है। अब कालीकट जो केरल वाला क्षेत्र था, यहाँ पर एक शासक बैठा था जमोरिन, एक जादूगर में होता है जमोरी, वो जमोरी नहीं, कौन सा, जमोरिन। तो जमोरिन यहाँ का शासक था, जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होते थे, मुग़ल सल्तनत में बादशाह होते थे, अवध के नवाब होते थे, इसी तरीके से जो कालीकट वाला क्षेत्र है यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के सुल्तान थे, वो कौन सी पदवी धारण करते थे, जमोरिन। जमोरिन कोई नाम नहीं है, जमोरिन क्या है, पदवी है। तो जमोरिन पदवी, अब इसको राजा ही कह देते हैं, इतिहास में भी लिखा मिल जाता है कि जमोरिन नामक शासक ने जो है स्वागत किया था किसका, वास्को डिगामा का। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है, और किस, कुछ किताबों में 17 मई लिखा मिलता है, कुछ किताबों में 20 मई लिखा मिलता है, इस ये मैटर नहीं करता है, लेकिन दोनों डेट याद रखना, 17 मई और 20 मई, इस ये डेट ऐसी रहती है कि 1498 ईस्वी को जो है वास्को डिगामा केरल के कालीकट पे पहुंचता है। तो ये पहली बार आया, अब यहाँ पर जब आता है जमोरिन, देखता है उसके शानो शौकत को, बड़ा सा जहाज, पहले तो भारत के लोग छोटे छोटे नाव ही बनाना जानते थे, हालांकि चोलों के समय में, प्राचीन समय में चोलों ने जो है पूरे जो है जो दक्षिणी हिंद महासागर था उसको झील बनाकर रख दिया था पूरा, जो है मतलब वहाँ पर उनका नौसंचालन होता था। लेकिन बाद में अकबर तो स्वयं जो है गुजरात अभियान के दौरान 1571-72 में जब गुजरात अभियान करता है, तब वो देखता है समुद्र, नहीं तो जानते नहीं तो समुद्र क्या होता है। अकबर गुजरात अभियान पे समुद्र का दर्शन करता है पहली बार आकर के, ना सबसे तीव्रगामी अभियान करता है ना गुजरात का, मैंने बताया था फास्टेस्ट एशिया का सबसे तीव्रगामी अभियान किसने किया था, अकबर ने किया था, जो दूरी 60 दिन में तय करनी थी उसको टक 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 घोड़ों की सहायता से 11-12 दिन में पूरा कर लेता है, बहुत फास्ट अभियान किया था। तो गुजरात अभियान के दौरान जब आता है तो सबसे पहले वो गुजरात में यहाँ पर आकर के समुद्र के दर्शन करता है, तो समुद्र से अभी जो है लोग अनभिज्ञ थे, तो समुद्र में ज़्यादा जो है नौ संचालन नहीं होता था। लेकिन जब साओ गैब्रियल जहाज को देखता है, बहुत शानो शौकत, बहुत लंबा चौड़ा, पूरी टीम लेकर के आता है वास्को डिगामा, तो खुश हो जाता है जमोरिन, कहता है ले जाओ, क्या ले जाना है तुमको, काली मिर्च का व्यापार करने आए हो, ला दो इनके एक और जहाज बनाओ और दोनों जहाज भर दो काली मिर्च से। ये वहाँ से लेकर चलता है जो है, मान लेते हैं 1 रुपया लेकर चलता है, यहाँ से जो है जितना खरीद के ले जाता है उसका 60 गुना ले जाकर दोबारा वहाँ यूरोप में मसालों को बेच देता है, तो उसको 60 गुना व्यापार में मुनाफा होता है, तो 60 गुना व्यापार में मुनाफा होता है। अब ये हल्ला मच जाता है यूरोप में कि अरे हिंदुस्तान में जो है, अब पहले अभी तो यहाँ मेडिएटर थे ना, अभी मसाला किसके माध्यम से जा रहा था, बीच में बिचौलिया बैठे हुए थे, तो मुनाफा सब खत्म हो जाता था।
और अब डायरेक्ट लेके गया, बहुत मुनाफा हो गया, 60 गुना मुनाफा हो गया। मात्र 6-7-8 महीने समुद्र में जो है यात्रा करना है, और यात्रा भी जो है उस समय खतरनाक होते थे। बचे जिंदा हैं बचे तो ठीक है मुनाफा, नहीं तो डूब गए मर गए समुद्र में कोई बात नहीं। तो पहले के लोग बहुत साहसी होते थे, बहुत ज़्यादा। तभी तो जो है इस समय खोजें शुरू हुई थी, इसी समय जो है तस्मानिया की खोज हो गई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हो गई, ठीक है। तस्मान ने तस्मानिया और जो है न्यूजीलैंड की खोज कर दी, कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। इंग्लैंड का कुक था, कुकर नहीं कुक, कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज कर दी। इसी समय खोजों का दौर शुरू हुआ, तो ये जहाज़ के माध्यम से ही, पानी के जहाज़ के माध्यम से ही खोजना शुरू किए थे। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर आता है और वापस जाता है अपने यूरोप जो है इस पुर्तगाल, और वहाँ जा करके इसका खूब जो है सम्मान होता है कि एक जो है साहसी नाविक यात्रा करके लौटा है व्यापार करके, और यहाँ पे हल्ला हो जाता है। तो अभी तो हालांकि मतलब लगभग 100 ईयर्स तक पुर्तगालियों ने भारत में जो है व्यापार किया, और व्यापार के साथ साथ में जब ये व्यापार करने के मकसद से आए, लेकिन ये यहाँ पर अपनी कॉलोनी बसाने लगे, फैक्ट्री लगाने लगे। फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर होता है फैक्टर शब्द से बना है, फैक्टर फैक्ट्री जो है फैक्टर शब्द से, फैक्टर का मतलब होता है एजेंट, फैक्टर का मतलब होता है एजेंट। तो ये यहाँ पर कुछ एजेंटों एजेंट के रहने के लिए जो है किलेबंदी करते थे, जो व्यापार करने के लिए उनके सहयोगी होते थे, और उसी में जो है अपना क्या करते थे, माल को डंप करते थे, माल को उसी में इकट्ठा करते, जैसे वेयर हाउस होते हैं, जैसे बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं ना, माल को कहीं रखना है तो एक गोदाम बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे ना, तो इस तरीके से लोग गोदाम बनाते थे। उसी गोदाम को क्या कहा गया, फैक्ट्री कहा गया। क्या कहा गया, फैक्ट्री या कारखाना। तुम लोग पढ़ते हो ना अंग्रेजों की फैक्ट्री फलाने जगह स्थापित हुई, वहाँ स्थापित हुई, तो फैक्ट्री में वहाँ उत्पादन नहीं होता था, वहाँ पर जो भारत के सामान थे, कपड़ा हुआ, नील हुआ, मसाले हुए, ठीक है, इन सबको क्या किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, देश के अंदर कोने कोने से खरीद करके और उन्हें इकट्ठा किया था, फिर पानी के जहाज़ पर लाद करके और भेज दिया जाता था। अब वहाँ पर भाई स्थानीय लोग चोरी डकैती भी करने लगे थे, तो वो लोग क्या किए, इसको फैक्ट्री को कारखाने को क्या कर दिए, किलाबंदी कर दिए। क्या कर दिए, किलाबंदी, और अपने सैनिक रखने लगे। धीरे धीरे यही किया इन्होंने, सैनिक रखने, किले में किलाबंदी कर लिया। अब यहाँ के जो भारतीय राजा थे उनकी होड़ करने लगे, भारतीय राजा भी किले में रहते थे और जो है किलेबंदी करते थे, सैनिक रखते थे, तो ऐसे इन लोगों ने भी धीरे धीरे किलेबंदी के मतलब सुरक्षा के नाम से इन्होंने राजा से आज्ञा ले लिया कि स्थानीय जो चोर डकैत हैं वो हमारे जो वेयर हाउसेज हैं उनको चोरी कर लेते हैं, उनके सामान चुरा लेते हैं, तो इनको राजा ने, यहाँ के राजा ने, सुल्तानों ने या जो भी क्षेत्रीय शासक थे उन लोगों ने आज्ञा प्रदान कर दी। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे अपनी फैक्ट्री बनाए, फिर वहीं पर कॉलोनी बसाना शुरू कर दिए। आसपास जो है और भी यूरोपीय आते गए और उनकी कॉलोनी बसाना शुरू कर दी। तो इस तरीके से कॉलोनाइजेशन शुरू हो जाता है, और बाद में ही कॉलोनाइजेशन क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। देखो उपनिवेश, निवेश शब्द आया ना, निवेश शब्द में क्या होता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो अब ये लोग पैसे का ही तो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन देशों में, जितने भी साम्राज्यवादी देश थे, साम्राज्यवादी देश होते हैं, साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, साम्राज्यवाद ही तो हो रहा है, रहे इतनी दूर रहे हैं, करीब 2000 किलोमीटर दूर रह रहे हैं, और इतनी दूरी को तय करके ये जो है भारत जैसे और भी देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों पे जा करके कब्जा स्थापित कर रहे हैं, और वहाँ पर उपनिवेशवाद फैला रहे हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है जब इसको मुनाफा हुआ तो दोबारा फिर से 1502 ईस्वी में दोबारा फिर से आता है वास्को डी गामा भारत, और तीसरी बार आता है 1524 ईस्वी में। तीसरी बार आता है, दूसरी बार कब आता है, 1502 में, और तीसरी बार आता है 1524 में। तो ये याद रखना है ये कि प्रश्न डेट नहीं आएगा, पूछेगा भारत वास्को डी गामा कितनी बार आता है, तीन बार आता है, कितनी बार आता है, तीन बार आता है, और तीसरी बार आ करके भारत में ही इसकी क्या हो जाती है, 1524 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1524 में जब तीसरी बार भारत आता है तो यहीं पर इसकी जो है मृत्यु हो जाती है कोचीन में, और कोचीन में ही इसका जो है क्या है, कब्र है, कोचीन में इसको दफना दिया गया। तो इस तरीके से वास्को डी गामा की कहानी हो जाती है ख़त्म। वास्को डी गामा ने पुर्तगाली शक्ति की स्थापना कर दी। अभी पुर्तगाली कंपनी नहीं आई थी, अभी पुर्तगाल का एक नाविक आया था व्यापार करने के लिए जिसका नाम था वास्को डी गामा। अब जो है कंपनी पुर्तगाल से भारत में आएगी, अब कंपनी व्यापार करने के लिए जो है अपने गवर्नर्स को भेजेगी कि जो है एक जो हमारे वेयर हाउसेज हैं उनके रख रखाव के लिए, उनके सैन्य व्यवस्था संचालित करने के लिए। अब चूँकि कई वेयर हाउस बनाते हैं,
जिसको जो है फैक्ट्री बोलते हैं, तो सब फैक्ट्रियों को जो है उनकी व्यवस्था देखने के लिए, सैन्य व्यवस्था संचालित करने के लिए गवर्नर भेजते हैं। तो ये सब गवर्नर के माध्यम से पूरा क्या होता है, संचालित होता है। एक लंबा टॉपिक है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इसको दोबारा एक बार रिवाइज कर लो, जिससे कि फटाफट याद हो जाए। रिवाइज करते हैं, बताओ पहले। सबसे पहले हेनरी के समय भारत की यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? भारत आने वाला लेकिन भारत पहुंच नहीं पाया था, बार्थोलोमियो डियाज। कौन था? बार्थोलोमियो डियाज, जो भारत आना तो चाहता था लेकिन भारत पहुंच नहीं पाया। दूसरे प्रयास में कौन आ जाता है? वास्को डी गामा। कोलंबस, जो इस कोलंबस भारत आना तो चाहता था, स्पेन का निवासी था, लेकिन भारत नहीं आकर कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया। तो कोलंबस ने अमेरिका को जो है खोज दिया, यूरोपियों की नज़र में अमेरिका आ गया, लेकिन वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी, एक नए रास्ते की खोज की थी। अभी तक जो व्यापार होता था भारत का, स्थल मार्ग से और दो जल मार्ग से होता था। कौन से? फारस की खाड़ी से और लाल सागर से। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने, अरबों ने 1453 ईस्वी में क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसकी वजह से रास्ता हो गया बंद। अब जब रास्ता बंद हो गया तो फिर जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, चाहे वो पुर्तगाल हो, स्पेन हो, इंग्लैंड हो, या फिर जो है आपका नीदरलैंड हो, इन सब लोगों ने नए रास्ते की खोज शुरू की। इसी में सबसे पहले पुर्तगाली सफल होते हैं। तो सबसे पहले कौन से यूरोपीय शक्ति भारत में आती है? पुर्तगीज आते हैं, उसके 100 ईयर्स बाद। अब जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा तो फिर व्यापार मुनाफे में होगा कि नहीं? जब यहाँ पर अन्य पुर्तगाली शक्तियाँ आने लगी तो फिर मुनाफा धीरे धीरे कम होने लगा, और जब मुनाफा कम होने लगा तो उसमें शक्ति जो है संघर्ष शुरू होगा, सत्ता और शक्ति के लिए संघर्ष शुरू होगा। तो शक्ति और संघर्ष, सत्ता के संघर्ष में विजय कौन होता है? अंग्रेज विजय होते हैं, और भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी तरीके से जो है स्थापना हो जाती है, और यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं तो धीरे धीरे करके पूरे भारत पर इनका कब्जा हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सिनेरियो रहता है। अब इस दौरान कुछ प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं परीक्षाओं में, कभी कभी अभी ये जो है अनछुए पहलू हैं, लेकिन प्रश्न पूछ लेता है। जब भारत में पुर्तगाली शक्ति आई तो भारत में उस समय किसकी सत्ता थी? सल्तनत दिल्ली सल्तनत की थी या मुगल्स की थी? किसकी थी? 1498 में। और मुगल कब स्थापित होते हैं? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, बाबर आता है। तो बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना कब की? 1526 में। और इसके पहले ही 1498 में पुर्तगाली आए थे। तो अभी किसकी, कौन से था? दिल्ली सल्तनत। किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत। उत्तरी भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का कब्जा था, और दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासन था? लोदी वंश का। किसका था? लोदी वंश का। लोदी वंश जो सबसे आखिरी वंश था, और लोदी वंश में भी राजा कौन था? सिकंदर लोदी। लोदी वंश में भी राजा कौन था? सिकंदर लोदी। तो यहाँ से अंदर घुस करके प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए ये भी जानना जरूरी है। तो सिकंदर लोदी यहाँ का उस समय शासक था, और सिकंदर लोदी ने ही आगरा की क्या की थी? स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था 1504 AD में, और बाद में इसी को अपनी राजधानी बना देता है 1506 में। अभी तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी 1506 में? आगरा में। तो आगरा की स्थापना कर, तो सिकंदर लोदी इस समय यहाँ का शासक था। और गुजरात में जो शासक था महमूद बेगड़ा था। गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा था। दक्षिण भारत में कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य था। नरसिंह देव द्वितीय जो है उस समय वहाँ का क्या था? शासक हुआ करता था। और हेनरी द नेविगेटर के समय में ये अभियान होता है। प्रिंस कौन था? हेनरी द नेविगेटर। तो इसका नाम आपको याद रखना। तो इस तरीके से भारत में जो है यूरोपीय शक्तियों का आगमन हो जाता है। अब कल हम लोग अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से पुर्तगीज जो है भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं, और अपना व्यापार और यहाँ के जो है राजनीति में कैसे हस्तक्षेप करते हैं। तो वो सब हम लोग कल अध्ययन करेंगे।